क्या है, के हुआ। इसके बाद जो जानना है, ये बहुत ही क्रूशियल चीज है जो अभी हम बताने जा रहे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ये है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे लेट ए एम क्रॉस एन एंड बी पी क्रॉस क्यू आर टू मैट्रिसेस। मान लिया ये दो मैट्रिक्स है, देन फर्स्ट ए बी डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड। ए बी कब डिफाइंड होगा, व्हेन, अगर हम बात करें ए बी की, तो हमें देखना है कि ए का नंबर ऑफ कॉलम एंड बी का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, दैट इज एन इक्वल टू पी। एन इक्वल टू पी हुआ तो डिफाइंड होगा, एंड ए बी का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, तो जो सेम है उसको छिपा लिए, बचा क्या हो जाएगा, एम क्रॉस क्यू। ए बी कब डिफाइंड होगा, जब एन का वैल्यू पी के बराबर होगा और ए बी का ऑर्डर होगा एम क्रॉस क्यू। सेकंड, बी ए इज डिफाइंड, डिफाइंड व्हेन, अभी हमें देखना है बी ए कब डिफाइंड होगा। तो जब हम बात करेंगे बी ए की, तो बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है एंड ए का जो नंबर ऑफ रो है वो सेम होना चाहिए, जब मतलब कि आ जाएगा क्यू का वैल्यू एम के बराबर हो जाए एंड ऑर्डर ऑफ बी ए कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा पी क्रॉस एन, हमने देख लिया। थर्ड, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ए बी एंड बी ए दोनों कब डिफाइंड होगा, व्हेन, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज एन इक्वल टू पी हो जाए एंड क्यू इक्वल टू एम हो जाए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों को मिला के कि ऑर्डर ऑफ बी जो है, ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाए, ये हो जाए एन क्रॉस एम। अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो बी का ऑर्डर हो जाए एन क्रॉस एम, तो ए बी एन बी ए क्या होगा, दोनों डिफाइंड होगा। अगर हम पॉइंट फोर की बात करें, इसमें देखेंगे ए स्क्वायर इज डिफाइंड, ए स्क्वायर इज डिफाइंड व्हेन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तभी उसका स्क्वायर या क्यूब जो भी है ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके कि कैसे देखेंगे कि डिफाइंड है या नहीं एंड ऑर्डर क्या होगा। तो मान लिया ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 4, सी का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 ले लेते हैं एंड डी का ऑर्डर ले लेते हैं 2 क्रॉस 4। अभी देखते हैं इसमें कौन कौन सा डिफाइंड होगा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एंड ऑर्डर क्या होगा। जब हम बात करेंगे ए बी की, तो हमें ये देखना है कि ए का नंबर ऑफ रोज एंड बी का नंबर, सॉरी, ए का नंबर ऑफ कॉलम एंड बी का नंबर ऑफ रोज सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे ए का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, बी का नंबर ऑफ रोज भी क्या है, 3 है, इसका मतलब ए बी डिफाइंड होगा एंड ए बी का डिफाइंड, ए बी डिफाइंड होगा एंड ऑर्डर क्या हो जाएगा। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो हो गया 2 क्रॉस 4। ऐसे ही क्या ए सी डिफाइंड होगा, तो हम देखेंगे ए का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, बी का नंबर ऑफ रोज क्या है 4, दोनों सेम नहीं है, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। अगर हम बात करें डी सी की, तो डी सी देख लेते हैं, डी का नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4 एंड सी का नंबर ऑफ कॉलम रो क्या है 4, दोनों मैच किया तो डिफाइंड होगा। एंड ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3।
यहां पे हमने देख लिया कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, एंड अगर डिफाइंड हुआ तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये देख लिया है। अभी हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो देखिए हम यहां पे लिखते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू ए आई जे हमने लिखा है, ये हो गया एम क्रॉस एन, एंड बी इक्वल टू लिखा बी आई जे, ये मान लिया एन क्रॉस बी। तो यहां से दिख रहा है ए बी डिफाइंड होगा, ए बी लेट सी का वैल्यू ए बी लिखा और इसको मान लिया सी आई जे होगा, सी आई जे सी तो डिफाइंड होगा क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम एंड बी का नंबर ऑफ सेम है, रोज सेम है, और इसका ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस बी। तो आखिर सी आई जे निकालेंगे कैसे, बात ये, तो सी आई जे ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए विथ jth कॉलम ऑफ बी। कहने का मतलब जब हम बात करेंगे ए आई सी आई जे की, तो हमें रो लेना है मैट्रिक्स ए से जो पहले आया है, एंड कॉलम लेना है मैट्रिक्स बी से। इसका मतलब क्या है, इधर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि हमने मैट्रिक्स ए लिखा है 1 2 3 4, एंड मैट्रिक्स बी लिखा है 1 2 1 2 3 4। ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो यहां ए बी तो डिफाइंड होगा। तो मान लिया सी इक्वल टू ए बी है, ए बी का ऑर्डर कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए, ये दोनों कैंसिल होके बच जाएगा 2 क्रॉस 3। तो जब हम बात करेंगे कि यहां पे क्या लिखेंगे, तो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए पहले का मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो उठाना है एंड सेकेंड का मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम उठाना है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, 1 × 1 + 2 × 2, ये हो गया। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पे ए क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो यहां से हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अभी सेकंड कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 2 + 2 × 3, ये हो गया। जब हम बात करेंगे यहां पे, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके लिए ए का हमने फर्स्ट रो सिलेक्ट किया है, बी का थर्ड कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1 × 1 + 2 × 4। अभी हम चलते हैं यहां पे, ये है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो देखते हैं क्या आएगा। हम सेकेंड रो ए का सिलेक्ट कर लिए और यहां से फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 + 4 × 2, इसके लिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो आ जाएगा 3 × 2 + 4 × 3, एंड यहां पे सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आ जाएगा 3 × 1 + 4 × 4, एंड इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 4 आ गया 5, 2 + 6 आ गया 8, एंड 1 + 8 आ गया 9, 3 + 8 आ गया 11, एंड 6 + 12 आ गया 18, एंड 3 + 16 आ गया 19, ये हो गया। तो हम ए भी ऐसे निकाल, तभी कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं ए बी कैसे निकालना है। तो फर्स्ट जो मल्टीप्लीकेशन है हम ऐसे लिख रहे हैं कि 1 2 3 हमने लिया, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, एंड यहां पे ले लिया 2 3 4। तो ऑर्डर देख लेते हैं, इसका ऑर्डर हो गया
थ्री क्रॉस वन, इसका ऑर्डर हो गया वन क्रॉस थ्री, तो जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ये वन क्रॉस वन आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो वन प्लस टू आ जाएगा टू, प्लस टू प्लस थ्री आ जाएगा सिक्स, टू इंटू थ्री सिक्स आ जाएगा, प्लस थ्री इंटू फोर आ जाएगा ट्वेल्व, जो कि आ जाएगा ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन, एंड एटीन प्लस टू क्या होगा ट्वेंटी, ये हो गया। अगर हमने किया तो ऐसे आ गया। अगर इसी को हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई करने का मतलब कि अगर हमने ऐसे किया कि वन चलिए टू थ्री फोर ले लिया, एंड यहां पे ले लेते हैं वन टू थ्री, पहले देखना होगा कि मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा भी नहीं, ये है फर्स्ट वन रो थ्री कॉलम, ये है थ्री रो वन कॉलम, ये मैच करके एग्जिस्ट करेगा, एंड इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा थ्री क्रॉस थ्री। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू आ जाएगा, जब टू को टू से करेंगे तो फोर आएगा, टू को थ्री से करने से सिक्स आएगा, ऐसे ही थ्री इंटू वन थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू टू एट, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ये हो गया। अभी हम आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। अगर हम थ्री बाई थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, वन टू थ्री जीरो वन टू एंड थ्री वन जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस वन जीरो वन टू जीरो वन थ्री वन फाइव। यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री का, तो जो रिजल्टेंट आना चाहिए ये भी आना चाहिए थ्री क्रॉस थ्री का, थ्री क्रॉस थ्री का, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे हमें चाहिए तो इसके फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो आ जाएगा माइनस वन प्लस फोर प्लस नाइन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो जीरो प्लस जीरो प्लस थ्री, जीरो प्लस जीरो प्लस थ्री, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम करेंगे तो वन को वन से मल्टीप्लाई करने से वन आ गया, टू इंटू वन आ गया टू, थ्री इंटू फाइव आ गया फिफ्टीन। तो अभी हम सेकंड रो में चलते हैं तो आ जाएगा जीरो प्लस टू प्लस सिक्स, सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस टू, सेकंड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा जीरो प्लस वन प्लस टेन, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की बात करें तो माइनस थ्री प्लस टू प्लस जीरो एंड आ जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा थ्री प्लस वन प्लस जीरो, एंड अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो निकल के आ जाएगा नाइन फोर थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व, थ्री यहाँ पे एंड फिफ्टीन टू सेवनटीन वन एटीन, यहाँ पे एट टू इलेवन माइनस वन जीरो एंड फोर। तो मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और मल्टीप्लीकेशन में स्पीड बढ़ाना है, जितना अच्छा आपका मल्टीप्लीकेशन में स्पीड होगा आप उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे हम कुछ नोट लिखेंगे, ये नोट बहुत ही जरूरी है। इसमें फर्स्ट क्या है, इन जनरल मीन्स जनरली ए बी एंड बी ए दोनों इक्वल नहीं होगा। जब हम पढ़ते थे नंबर्स या अलजेब्रा उस केस में ए बी एंड बी ए दोनों सेम होता था, दैट इज टू इंटू थ्री इक्वल टू थ्री इंटू टू, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट
तो ऐसा हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए कि ए बी एंड बी ए दोनों सेम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मैट्रिसेस आर सेट टू कम्यूट। अगर क्वेश्चन में दिया है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी कम्यूट, इसका मतलब होगा कि ए बी एंड बी ए दोनों क्या है, इक्वल ए हो गया। एंड कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो इनफैक्ट जो थर्ड है ये क्या है कि ए बी एंड बी ए मे नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली ए बी एंड बी ए एक साथ एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता, इक्वल होने की बात तो छोड़ दीजिए। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं है, दूसरा देखेंगे ए बी एंड बी ए क्या है इक्वल। तो अगर ए इक्वल टू हमने लिखा है 1 -2 3 -4 2 5 एंड बी इक्वल टू ले लेते हैं 2 -4 2 3 5 1। तो अगर हम ए बी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अभी तो प्रैक्टिस हो गया होगा, 1 -2 -2 -2 4 -8 तो ये आ गया -2 -8 + 6 एंड यहां से आ गया 1 -10 + 3 यहां से आ गया 8 + 8 + 10 इधर आ जाएगा -12 + 10 + 5। तो जब हम ए भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए भी आ गया -10 + 6 - 4 and 3 - 10 - 4 - 10 - 6 यहां पे आ गया है 8 8 16 and 10 26 इधर आ गया है 15 - 12 3 ए बी हो गया, इसका ऑर्डर है 2 x 2। जब हम बी ए निकालने जाएंगे यहां पे तो बी ए का ऑर्डर हो जाएगा 3 x 3। तो जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वल कैसे होगा, राइट इसका ऑर्डर 3 x 3 होगा। तो बी ए हम निकालते हैं, ये हो जाएगा -2 and -12 - 14 and 4 + 6 10 - 6 and 15 9 यहां से आ जाएगा 4 - 20 - 16 - 8 + 10 2 12 + 25 कितना हो जाएगा 37 2 - 4 - 2 - 2 - 4 + 2 - 2 6 + 5 11 ये हो गया बी। तो यहां पे हम देख रहे हैं ए बी एंड बी ए इक्वल तो छोड़ो, दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं। ऑर्डर सेम कब होता, व्हेन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाए, कम्यूटेटिव ही हो जाए, दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए ही हो जाए। अभी हम यहां पे कुछ केसेस ले, एक केस लेते हैं जिसमें ए बी एंड बी ए क्या है, दोनों इक्वल है। तो देखिए अगर ए इक्वल टू हमने लिया 2 0 0 3 एंड बी इक्वल टू लिया 5 0 0 6 तो जब हम ए बी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 5 10 यहां पे आ जाएगा 0 यहां पे भी आ जाएगा 0 एंड ए आ जाएगा 18 ये आ गया ए बी। अगर हम बात करें बी ए की तो ये कितना आ जाएगा 10 यहां पे 0 इधर 0 एंड यहां पे 18। तो देख रहे हो ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी क्या हो गया, कम्यूट। इधर यहां पे हम एक पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि इफ
एंड बी आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इक्वल टू बी। अगर ए एंड बी डायगोनल मैट्रिक्स व सेम ऑर्डर का तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ए होगा हमेशा है। इसका एक एग्जांपल हमने देख लिया है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। एक एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड ए इक्वल टू हमने लिया 1012 एंड बी इक्वल टू ले लेते हैं 0230। यहां से जब ए भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 00, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 6 एंड यहां से आ गया 2, ये भी है। अगर हम बात करें बी ए की तो कितना आ जाएगा 0 0 नहीं, यहां पे आ जाएगा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड इधर आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आ गया 4, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम आ गया 0। तो देख रहे हैं आप ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं। यही बोल रहे थे कि अगर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता भी है, मीन्स ए बी एंड बी एग्जिस्ट करता भी है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का दोनों क्या होगा, दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए होगा, मतलब ए एंड बी कम्यूटेटिव होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर ए एंड बी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है तो विदाउट एनी डाउट ए बी एंड बी ए क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि ए एंड बी क्या होगा, कम्यूटेट। अभी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम प्रोडक्ट का। तो प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, मतलब मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सेकंड ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट हुआ ये एसोसिएटिव ही होता है, ये ध्यान में रखना।